ऐसे जो सर मैंने कल मैसेज किया था, आई थिंक उसी मैसेज को देखकर आप आए हैं कि आज जंतर मंतर पर जो महिला किसान संसद बैठ रहा है, और मेरी इच्छा थी कि मैं उसमें जाऊं, पर आप आपका क्या कहना कि मुझे नहीं जाना चाहिए? आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और मैं अगर रिक्वेस्ट नहीं मानूं तो ये गैर कानूनी तो नहीं होगा? हाँ नहीं, इंडिविजुअली आप मुझसे कर सकते हैं और मैं उसका रिस्पेक्ट भी करती हूँ, पर मेरी इच्छा थी कि हमारी 200 महिलाएं, हमारा जो कृषि कानून आपको मालूम ही है उसको लेकर 8 महीने से आंदोलित हैं, 500 किसान अपने शहीद हो चुके हैं और आज महिलाएं जंतर मंतर पर हैं। नहीं, मेरे जाने से लॉ एंड ऑर्डर कैसे खराब होगा? मैं तो कानून की सबसे ज्यादा मानने वाली हूँ, कभी 27 साल की राजनीति में कानून नहीं तोड़ा और आज भी कभी कोशिश नहीं है। नहीं, आप मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पर मैं यही कह रही हूँ, अगर मेरी आपसे रिक्वेस्ट हो कि मुझे जाने दीजिए जंतर मंतर में, कुछ नहीं, सिर्फ महिलाओं जो हमारी देश भर की किसान आई हैं अपनी आवाज को उठा रही है, दूसरी तरफ संसद भी चल रहा है, हम चाहते हैं कि वो जंतर मंतर की आवाज जो सर्वोच्च संसद है वहां पर उठे। नहीं, अगर जाऊंगी तो आप मुझे रोकेंगे? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ आपसे, आप रोकेंगे? आप नहीं जाने देंगे तो आप सब मुझे नहीं जाने देंगे? साथियों, अपने घर पे हूँ आज। 26 जुलाई को किसान संगठनों ने जो है घोषणा की थी कि वो जो है जंतर मंतर पर 200 महिला किसान आज अपनी संसद बुलाएंगी, उस पर किसान बिलों पर चर्चा करेंगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून पर मांग उठाएंगी और वो मांग देश की संसद चल रही है वहाँ उठेगी। लेकिन आप देख रहे हैं मेरे घर में जो है वो पुलिस आ चुकी है, उनका कहना है कि वो मुझसे निवेदन कर रहे हैं कि मैं जंतर मंतर ना जाऊं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस लोकतंत्र में अगर मैं जंतर मंतर पहुंचती हूं तो कौन सी कानून व्यवस्था में जो है वो सबसे बड़ा उसका उल्लंघन होता है। मैं कोई कानून नहीं समझ पा रही कि किस कानून के तहत देश की जो सरकार है, क्योंकि दिल्ली पुलिस मुझे मालूम है अगर उनका सहयोग ना होता तो आज किसान जंतर मंतर पर ना होते। आज किसान जंतर मंतर पर इसलिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब आपका धन्यवाद करती हूँ कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने किसानों को, अन्नदाताओं को बेशक 8 महीने बाद इजाजत दी और वो जंतर मंतर पर आकर अपनी संसद कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग, दिल्ली के नागरिक हैं, किसान नहीं हूँ लेकिन उस अन्नदाता की कर्जदार जरूर हूँ, उसका अन्न खाती हूँ। मैं ही नहीं, इस तालेबंदी में जिस 80 करोड़ लोगों को देश की केंद्र की सरकार मुफ्त राशन के दावे कर रही है, वो भी इसी अन्नदाता के दम पर वो दे पा रही है, उसे समझना होगा। और आज उस अन्नदाता का कर्ज उतारने के लिए इच्छा थी कि दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, 500 से ऊपर किसान शहीद हो चुके हैं, 8वां महीना चल रहा है, संसद चल रही है, क्यों नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी एक दिन का संसद सत्र पूरी तरह हमारे अन्नदाताओं को समर्पित कर देते? क्यों नहीं पूरा एक दिन हमारे इन 3 कृषि कानूनों पर चर्चा होने देते? कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है आपको मोदी जी? हम जानते हैं जिनके लिए आप ये कानून लाए वही आपको रोक रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। देखते हैं, दिल्ली पुलिस मेरे घर पर आकर बैठी हुई है, मुझे रोक रहे हैं, अब हम बात करेंगे, बातचीत से रास्ता निकालेंगे, या तो यूं ही देखते हैं SHO साहब अपनी टीम के साथ कब तक मुझे यहाँ बिठाए रखते हैं, या बीच का कोई रास्ता निकलता है मैं वहाँ जा पाऊँ या नहीं जा पाऊँ। पर मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, महिला किसानों से कहूँगी, हम चाहे घरों में इस तरह से कैद हो गए हों लेकिन इस बात का भरोसा रखिएगा कि हम आपके साथ, आपकी मांगों के साथ पूरी ताकत बनकर खड़े थे, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। संसद के अंदर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के सांसद आपके किसानों की लड़ाई को लड़ रहे हैं, और बाहर से हमारे जैसे लोग भी आप किसानों के अन्नदाताओं के साथ ताकत बनकर खड़े हुए हैं। अब पुलिस कमिश्नर साहब, आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, हमारे इलाके के जो DCP हैं, एडिशनल DCP हैं, ACP साहब, आपके SHO साहब बैठे हुए हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, ये लोकतंत्र की हत्या होगी अगर हमारे बढ़ते कदमों को लोकतांत्रिक तरीकों से हम वहां जाकर सिर्फ समर्थन देना चाहते हैं। ये पूरा आंदोलन 8 महीने बिल्कुल हिंसक नहीं रहा, गांधीवादी तौर तरीकों से ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है, और यही लोकतंत्र की असली ताकत है कि इस देश में लोकतांत्रिक तरीकों से, गांधीवादी तरीकों से अगर कोई भी आवाज़ उठे उसे दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। महिला किसान
अपनी संसद बुला रही हैं तो दिल्ली की महिलाओं को वहां पहुंचना चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए इन कृषि कानूनों पर उनकी क्या राय है। और मैं तो ये भी कहती हूं कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं 11 महिला मंत्री उन्होंने जो है बनाई है, महिला मंत्री एक ने तो किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को मवाली तक कहा भी कुछ दिन पहले, नाम सब जान चुके हैं कौन महिला सांसद है। लेकिन उन महिला सांसदों से कहूंगी, मंत्री हैं आप, आइए ना, आइए जंतर मंतर पर, आप पक्ष रखिएगा, हमारी महिला किसान अपना पक्ष रखेंगी और इस पे जो चर्चा होगी उसे हमारे जैसे लोग जो ना किसान महिला है और ना संसद की सांसद है ना मंत्री है सुनेंगी और यही लोकतंत्र को मजबूती देगा। लेकिन ये जो तरीके हैं मैं माफी चाहूंगी, इन तरीकों से देश का लोकतंत्र नहीं चलेगा। ये आवाजें ताकत सत्ता के दम पर आप कुचल नहीं सकते हैं, मेरा निवेदन है। बहुत से साथी कह रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं कानून के दायरे में रहते हुए पुलिस की इजाजत के साथ जाऊं, अगर जाऊं तो, वरना जोर जबरदस्ती से क्या हासिल होगा आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं कि कुछ हासिल नहीं होगा। बीच के रास्ते निकालने की कोशिश है, बहुत एक अच्छे माहौल में हमारे SHO साहब का और उनकी पूरी टीम बैठी हुई है, बातचीत कर रहे हैं, कोशिश कर रही हूँ रास्ते निकलेंगे। पर इस तरह से मैं कहूँ, अगर आप कहेंगे डिटेन कर लिया अलका लांबा को और आपका जंतर मंतर दिल्ली संसद में किसानों के नहीं जाने देंगे, तो मैं ये कहूँगी ये राहुल गांधी जी, पूरी कांग्रेस की आवाज़, किसानों की आवाज़ संसद से सड़कों तक गूंजेगी और तब तक गूंजेगी जब तक ये 3 काले कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं, तब तक। जय हिंद, जय भारत।